हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस नए वीडियो में। इस वीडियो में हम स्पेशली जानने वाले हैं कि बिहार डीएलएड जो 2 साल का कोर्स है, उस कोर्स को करने के लिए आपको कितने रुपए खर्च होते हैं। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था, मैंने जो वीडियो बना के बताया हुआ है कि बिहार डीएलएड 2022 का जो है कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, तो वाली वीडियो आप नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा, मैं आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन उसी वीडियो पे इतना ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर ये बताइए कि 1 साल का कोर्स का जो फी है वो कितना है और 2 साल का कोर्स का फी कितना है। तो स्पेशली फ्रेंड्स, मेरे पास जो एक नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं जारी किया गया है, और इसमें यह भी बताया गया कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेंगे और कितना रुपए आपको जो 1 साल का फी देना होता है और अगले साल कितना रुपए आपको एप्लीकेशन फी देना होता है। अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो उसका कितना लगेगा, सरकारी से कर रहे हैं तो कितना लगेगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि आप जो है कैसे जो है पता करेंगे कि किस किस जो है जिला में कौन कौन से जो है डायट कॉलेज हैं, मतलब जो डीएलएड कराते हैं वो कॉलेजेस हैं जहां से आप जो है अप्लाई करके जो है वहां पे इंट्रेंस एग्जाम देंगे और इंट्रेंस एग्जाम देके जो है आपका सिलेक्शन होगा तो वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ऑफिशियली वेबसाइट पे जो है एनसीईटी से जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है जो डीएलएड करवाती है 22-24 के लिए, देखिए यहाँ पे जो है इसका संस्थानों की सूची भी आ चुकी है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं डीएस हेल्पिंग फॉर एवर यूट्यूब चैनल। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले फ्रेंड्स ये समझ लेते हैं कि अगर आपको कॉलेज लिस्ट देखनी है कि पूरे बिहार में कितने कॉलेज हैं, कौन सा सरकारी है कौन सा प्राइवेट है, तो आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे डीएस हेल्पिंग फॉर एवर। इतना आप सर्च करेंगे ना तो आपके सामने एक वेबसाइट खुलेगी dshelpingforever.com। इसको आपको ओपन करना है और यहाँ पे देखिए dshelpingforever.com वेबसाइट शो हो जाती है, इसको आप ओपन करना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए बिहार डीएलएड एडमिशन 2022 ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं और साथ ही साथ ये भी आपको वीडियो भी मिल जाता है यहीं पे, कैसे आपको फॉर्म को भरना होता है, अप्लाई लिंक सब चीज मिल जाता है यहीं पे। आपको जो कॉलेज लिस्ट भी डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, तो कॉलेज लिस्ट आप पे क्लिक करेंगे तो कॉलेज लिस्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे जो है बताई गई है क्रमांक संख्या, जिला का नाम, सरकारी है कि गैर सरकारी। अगर सरकारी जिसके सामने लिखा है वो सरकारी है, जो गैर सरकारी है वो समझिए गैर सरकारी है। और यहाँ पे जो है उस विद्यालय का नाम लिखा हुआ है, पता लिखा हुआ है, वेबसाइट है, और जो है कितना सीट है उस विद्यालय में ये भी यहाँ पे बताया गया है, और उसका कोड भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। ये नोटिफिकेशन, ये जो पीडीएफ नोटिफिकेशन है, ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा ही जारी किया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप यहाँ से जो है जिस भी जिला का देखना चाहते हैं कि किस कौन सा कॉलेज जो है सरकारी है, कौन सा जो है गैर सरकारी है और किस कॉलेज में कितना सीट है, आप आसानी से यहाँ पे जो है देख सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आसानी से आप चेक कर लीजिएगा अपने स्तर से। अब यहाँ पे समझते हैं कि एप्लीकेशन फी आपको कितना लगता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है मैंने जो जिला शिक्षा संस्थान है डायट सिवान में, जो कि एक सरकारी संस्था है, उसका मैंने नोटिफिकेशन यहाँ पे निकाला हुआ है। इसमें नामांकन संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं जिसमें यह बोला गया है कि नामांकन के लिए कितना रुपया आपको एप्लीकेशन फी लगेगा। देखिए इसमें कैटेगरी वाइज जो है डिवाइड किया गया है। यहाँ पे बोला गया है नामांकन के लिए सामान्य पिछड़ा और अत्यंत पिछड़ा, यानी जो है जनरल ओबीसी और ईबीसी के लिए जो है प्रथम वर्ष में नामांकन शुल्क जो होगा 11,500 रुपया आपको लगेगा। यानी 1 साल का जो है 11,500 रुपया आपको जो है जनरल ओबीसी और ईबीसी को लगेगा। वही अगर हम बात करें एससी एसटी के लिए और जो निःसंक मतलब विकलांग है उनको 7,000 रुपये यहाँ पे जो है लगेगा। और यहाँ पे जो आपको पैसा देना है ये आपको बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जो है जिस भी कॉलेज में आपका सिलेक्शन होगा, जब आप काउंसलिंग कराएंगे तो पता चल जाएगा, तो उसमें आपको बना के देना है फेवर में करके, ठीक है। और यहाँ पे वो कॉलेज वाला आपको सब प्रोवाइड करेंगे कैसे आपको पैसा देना है, कहीं कहीं कैश भी ले सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। लेकिन इसमें जो बोला गया वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2021 में जो एडमिशन हो रहे थे उसका यहाँ पे शुल्क जो है, मैं सबका शुल्क सेम रहता है सरकारी का, लेकिन जो है गैर सरकारी का मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आपको फॉर्म जब आप फिल करेंगे, नामांकन लेंगे, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो ऑनलाइन का जो आवेदन पत्र है वो आपको लगेंगे, मैट्रिक और 10वीं का जो है आपका मूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र लगेंगे, इंटरमीडिएट का भी आपका मूल प्रमाण पत्र, मौलवी या अंक प्रमाण पत्र लगेंगे, महाविद्यालय परित्याग यानी जो है आपका जो आपका परित्याग पत्र होता है जो आपके विद्यालय बना के देता है जिसको टीसी बोलते हैं, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो लगेंगे, आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, अगर आप विकलांग है तो आपको जो है विकलांग सर्टिफिकेट देना होगा, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग से आते हैं तो ईडब्ल्यू से देना होगा, शपथ पत्र आपको अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा देना होगा, 4 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो और उच्च योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र यदि है तो दे सकते हैं, और आधार कार्ड भी यहाँ पे आपको
देना होगा। तो ये 12 तरह के डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं एडमिशन के समय में, और साथ ही साथ जो आपका ये पैसा है नामांकन शुल्क, ये आपको लगते हैं। तो ये जो है सरकारी स्कूल का एप्लीकेशन फी है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है कॉलेज वाइज, आप जो है चेक कर सकते हैं। हर कॉलेज का जो है एक लेटर निकलेगा जैसे इसका काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो अभी तो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, फिर आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, फिर आपका जो है काउंसलिंग होगा। तो अभी काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जब आपका फाइनल रिजल्ट आने के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, फिर आपका कॉलेज अलॉट होगा, फिर आपको एडमिशन नोटिस जो है आपके उस कॉलेज से मिल जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स जो है एक मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि ये जो है यही पैसे आपको लगते हैं यहाँ पे एडमिशन करने के लिए। आप 2 साल का जोड़ लीजिए, 11 × 22 यानी 23,000 रुपये लेंगे, और वही जो SC ST से आगे उनको 14,000 रुपये लेंगे। इसमें भी बहुत सारे फी आपको रिफंड भी होते हैं, ठीक है ना, वो आपको कॉलेज में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, रिफंड भी होते हैं तो कॉलेज वाले रिफंड भी करते रहते हैं, और साथ साथ बहुत सारा जो है चीजें होती रहती है तो वो उसमें पैसे भी रिफंड होते हैं। तो ये फ्रेंड जो है एप्लीकेशन फी जो है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बताया। अब बात करते हैं यहाँ पे जो गैर सरकारी है। देखिए गैर सरकारी का कुछ फिक्स नहीं होता है, वो लोग जो है 50,000 भी चार्ज कर सकते हैं, 30,000 भी चार्ज कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो है नोटिस जारी किया था कि 1.5 लाख से अधिक कोई चार्ज नहीं कर सकता है DLED के लिए। तो डिपेंड करता है कि सरकारी का जो है क्या फी है। आप जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी जाके आप विजिट करके भी पता कर सकते हैं कि सर आपके कॉलेज का क्या फी है DLED का, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस भी दिया हुआ है, तो आप जाके विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट भी दिया हुआ है, वेबसाइट पे जाके आप उनका नंबर भी निकाल के बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको जो है समझ में आ गया होगा कि बिहार DLED 1 साल का कोर्स का कितना फी है, 2 साल का कितना फी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए DS Helping Forever। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।